Hello class, sir, how are you? I'm fine and you? आप लोगों को मैं बहुत मिस करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग मिस करते होंगे। आइए मैं आज आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ चार चांद का कुर्ता पाठ के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को भाषा कौशल पढ़ाऊंगी और लिखवाऊंगी भी। और होमवर्क में आपका रचनात्मक कौशल रहेगा, आज ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए भाषा कौशल में पहले है आपका वचन। वचन जैसा कि आप जानते हैं कि शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो ना, चाहे वह वस्तु हो, प्राणी हो, कोई भी हो, संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक को एक वचन कहते हैं और एक से अधिक को बहुवचन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो जहां हमें किसी एक संख्या का बोध हो वहां एक वचन होगा, और जहां एक से अधिक संख्या का बोध हो, ज्ञान हो, वहां बहुवचन होगा। समझ में आया? और फिर एक तो आपका वचन हो गया, फिर आपका दूसरा चैप्टर है, पॉइंट है पर्यायवाची ना, पर्यायवाची से संबंधित है। जैसा कि मैं आप लोगों को पर्यायवाची बता चुकी हूँ, पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समझ में आया? जो एक दूसरे के पूरक हो, पर्याय हो ना, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद है आपका समान तुक वाले शब्द। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कविता में लयात्मकता और रोचकता बढ़ाने के लिए कवि क्या करता है कि जो है कविता में यथा तथा तुक वाले शब्दों का प्रयोग करता है। तुकांत शब्द जिसे आप बोलते हैं ना, तुक वाले शब्द, तुकांत शब्द, जैसे आना, पाना, जाना, तो जैसे जो एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द होते हैं उन्हें तुकांत या तुक वाले शब्द कहते हैं। तो चांद का कुर्ता नामक कविता में भी श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने तुकांत वाले शब्दों का प्रयोग किया है। बच्चों आइए अब देखते हैं क्लास वर्क। भाषा कौशल के अंतर्गत प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाओ। हवा, माता, आंख, झुगोला, कुर्ता, बच्चा, ये इतने शब्द हैं, इनका बहुवचन बनाना है। उत्तर लिखिए, एक तरफ लिखिए एक वचन, एक वचन के नीचे एक वचन वाले शब्द लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ लिखिएगा बहुवचन। तो हवा का बहुवचन हो जाएगा हवाएं। हवा का बहुवचन क्या होगा? हवाएं। माता का बहुवचन होगा माताएं। आंख का बहुवचन होगा आंखें। झिंगोला का बहुवचन होगा झिंगोले। कुर्ता का कुर्ते। बच्चा का बच्चे। यानी जो इधर है, इधर वाले सब हवा, माता, आंख, झिंगोला, कुर्ता, बच्चा, ये सब एक वचन वाले शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इनसे केवल एक संख्या का बोध हो रहा है। समझ में आया? और जो बहुवचन है, हवाएं, माताएं, आंखें, झिंगोले, कुर्ते, बच्चे, इनसे एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यह सभी शब्द बच्चों बहुवचन वाले शब्द हैं। फिर ये प्रश्न उत्तर पहला हो गया, आप देखिए क्लास वर्क में ही। प्रश्न दूसरा है, प्रत्येक। प्रत्येक का अर्थ होता है सभी। पंक्ति, पंक्ति का अर्थ होता है लाइन। पंक्ति में उस शब्द पर घेरा यानी गोला लगाओ जो समानार्थी नहीं है, यानी जो पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची से अलग है, उनको क्या करना है? घेर देना है। जैसे हवा का पर्यायवाची पावक नहीं है, इसलिए पावक को मैंने घेर दिया है। हवा का पर्यायवाची क्या है? पवन और वायु, इसलिए जो अलग है उसे घेरना है ना, तो पावक का अर्थ होता है अग्नि, तो इसे घेरना है। आसमान, आसमान का पर्यायवाची व्योम भी है, अंबर भी है, लेकिन भानु, भानु आसमान का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए मैंने इसे घेर
यह दिया है, धानु का अर्थ होता है सूरज। फिर है दिन, दिन का पर्यायवाची तटनी नहीं है, तटनी का अर्थ होता है नदी का किनारा, समझ में आया। और दिन का पर्यायवाची दिवस और वासर है, लेकिन तटनी नहीं है, इसलिए मैंने तटनी को घेर दिया है। फिर देखिए रात, रात का पर्यायवाची निशा भी है, रजनी भी है, इन सबका एक ही अर्थ होता है रात, लेकिन जो है सुबह जो है यह रात का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए मैंने इसे घेर दिया, आप लोग भी घेरेंगे। फिर क्लास वर्क के अंतर्गत प्रश्न तीसरा है, कविता से समान तुक वाले शब्द चुनकर लिखो। देखिए बोला का समान तुक वाले शब्द होगा झिंगोला, जाड़े का भाड़े, सलोने का जादू टोने, करता का मरता, मरता का पड़ता, धरती का करती, मोटा का छोटा, लिवाए का आए। तो ये है समानतुक वाले शब्द। तो बच्चों क्लास वर्क के अंतर्गत भाषा कौशल के अंतर्गत प्रश्न उत्तर पहला, दूसरा और तीसरा ये आपका क्लास वर्क है, आप लोग नीचे अंतिम क्लास वर्क लिखेंगे साफ और सुंदर। ओके, अब देखते हैं आपका गृह कार्य। गृह कार्य में आपका है रचनात्मक कौशल से संबंधित प्रश्न, समझ में आया। इसमें प्रश्न है आपका चांद के विभिन्न, विभिन्न का अर्थ होता है अनेक, विभिन्न का क्या अर्थ होता है अनेक, विभिन्न रूपों को एक सिल्वर, सिल्वर यानी जो है सफेद सिल्वर पेपर पर काटो तथा कॉपी में चिपका कर चांद के विषय में दो वाक्य लिखो। ये आपका होमवर्क है, चांद के विषय में आपको एक दो वाक्य लिख सकते हैं कि चांद सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, चांद एक बेजान बेजान पिंड मात्र है, समझ में आया। तो ऐसे आप लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही फिर मिलते हैं, बाय बाय।